केशकाल मुख्यमंत्री का कल हो रहा कोंडागांव आगमन। केशकाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कल दिनांक 2 जनवरी दिन बुधवार को अपराह्न 11 बजे कोंडागांव आगमन हो रहा है। कोंडागांव आगमन पश्चात शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय स्थित हेलीपैड से मुख्य मार्ग होते हुए विकासनगर स्टेडियम ग्राउंड तक उनका बाइक रैली के माध्यम से स्वागत करने की तैयारी चल रही है, जहाँ वे आमसभा को संबोधित करेंगे। आयोजन की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आम नागरिकों से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर काफी उत्साह है। CNI न्यूज केशकाल से गिरीश जोशी की रिपोर्ट। केशकाल चुनाव परिणाम आने के बाद अचानक सक्रिय हुआ ठेकेदार। 11 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद PHE विभाग के कार्यों में गति आ गई, जो कार्य वर्षों से लंबित थे, और ठेकेदार अपना रौब झाड़ते कार्य नहीं कर रहा था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के दूसरे ही दिन धाधर पाइप गिरना चालू हो गया और 5 वर्ष से निष्क्रिय बैठा ठेकेदार अपूर्ण कार्य कराने अचानक सक्रिय हो गया। जिस अधूरे कार्य को पूरा कराने विभाग का SDO नोटिस दे देकर हलाकान परेशान हो गया था, पर ठेकेदार के कान में जूं तक नहीं रेंगी थी, उल्टा वो अधिकारियों को धौंस दिखाता था। वो ठेकेदार अचानक पाइप गिरवाकर बगैर नगर पंचायत की अनापत्ति लिए फटाफट पाइप गिराकर खुदाई आरंभ करा दिया, वो अत्यंत आश्चर्यजनक एवं सवाल दर सवाल उत्पन्न करने लगा है। जानकारों का कहना है कि वित्त वर्ष 2012-13 में जल आवर्धन योजना अंतर्गत टंकी निर्माण पाइपलाइन विस्तार डोर टू डोर सप्लाई के काम के लिए 6,49,90,000 रुपये राशि स्वीकृत हुई थी। ठेकेदार द्वारा सुरडुंगर स्टेडियम में टंकी का निर्माण तो कर दिया गया, पर शेष काम अधर पर पड़ा रहने दिया गया। सहया भये कोतवाल तो डर काहे का वाली बात हुई। ठेकेदार की पनहुच देखकर विभाग के ऑफिस रभी समय सीमा पर काम न करने पर नियमानुसार ठेकेदार पर कार्यवाही न कर हौंध धरे बैठे रहे। व्यवस्था परिवर्तन की उम्मीद से किए गए सत्ता परिवर्तन के फल स्वरूप अब इन दलालों पर शासन प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है, यह देखने का विषय है। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद दलालों सप्लायरों में खौफ देखने को मिल रहा है। गिरगिट की तरह रंग बदल कर वो शासन प्रशासन में अपनी पैठ बनाने की जुगाड़ में लग गए हैं। CNI न्यूज केशकाल से गिरीश जोशी की रिपोर्ट। जगदलपुर छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वागत के लिए जगह जगह कार्यकर्ता एवं लोगों को लगा हूं झूम। कुछ क्षणों में पहुंचने वाले माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एयरपोर्ट। CNI न्यूज जगदलपुर से बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ नए वर्ष में मां बम्लेश्वरी देवी दर्शन करने हजारों श्रद्धालु माँ के दरबार पहुंचे। डोंगरगढ़ धर्म नगरी में नए वर्ष के पहले दिन माँ बम्लेश्वरी माता के दर्शन करने माता के भक्त माँ के दरबार पहुंचे। माँ बम्लेश्वरी माता के दर्शन कर पूरा साल सुख शांति से बीते इस आशा के साथ सुबह से ही माता के भक्त हजारों की संख्या में मंदिर पहुंचे। हर वर्ष इसी तरह माता के भक्त नए वर्ष के पहले दिन माता के दर्शन कर माता का आशीर्वाद लेने माँ के भक्त देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचते हैं। कोई अपने परिवार की खुशी तो कोई अपने लिए रोजगार के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ पहुंचे। वही सुबह से ही माता के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिर परिसर में मेला जैसा नजारा सुबह से देर शाम तक रहा। पहले दिन पे आप यहाँ दर्शन करने आए थे, क्या मांग के लेकर आए हैं और क्या किस उद्देश्य से दर्शन करने आए थे? मैं तो अभी फिलहाल बेरोजगार हूँ, सबसे पहले भगवान से ही दुआ किया हूँ कि सबसे पहले मेरी नौकरी लग जाए इसी साल, और इसी साल मैं अपनी बेरोजगारी को दूर करूँ। और इसके साथ साथ सभी की शुभकामनाओं का मैं कामना करने के लिए आया हूँ। भिलाई से आया है, कांती नगर भिलाई से। आज 9 वर्ष के पहले दिन हम माता के दर्शन दरबार पहुंचे। बहुत अच्छा लग रहा है हमें 9 वर्ष में माता के दर्शन को। हम लोग इसी तरह हर मित्र इसी तरह हम लोग आते हैं और हर वर्ष माता से यही मनोकामना रहती है कि हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनाए रहे रखें और हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। इसी कामना के साथ हम लोग माता के दर्शन को हर साल आते हैं। CNI न्यूज डोंगरगढ़ से जिला ब्यूरो महेंद्र शर्मा बंटी की रिपोर्ट। हम है आपका विश्वास, हम है आपकी आवाज, हम जरिया है आपकी भावनाओं का, हम है आपका भरोसा। खबर से लेकर असर तक हम दिखाते हैं बुरी खबर। हम है CNI न्यूज़।